दोस्तों, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण आज हम पढ़ते हैं। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। इस आधार पर स्वर व व्यंजन वर्ण, इन दोनों के स्थान हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम संस्कृत के कुछ सूत्र याद रखें तो आसानी से इन वर्णों के स्थानों को याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक सूत्र दे रहा हूँ। यह सूत्र है अकु है विसर्जनीयानाम कंठः। अकु है विसर्जनीयानाम कंठः। इस सूत्र में हम स्वर, व्यंजन को रखते हैं। ऐसे हम ए और आ, इन दो स्वर को लेंगे। क जो आपको दिख रहा है, इस क में पूरा क वर्ग आ जाएगा, जिसमें क वर्ग के पांचों व्यंजन वर्ण होंगे। है को शामिल करेंगे और विसर्ग। इस सूत्र के द्वारा हमने स्वर और व्यंजन को अलग कर दिया और स्थान बता दिया कंठ। अकु है विसर्जनिया नाम कंठ है। इस सूत्र के द्वारा स्वर को और व्यंजन को अलग किया और स्थान हुआ कंठ। दूसरा सूत्र आता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, वापस ले लो स्वर और इधर ले लो व्यंजन वर्ण। स्वर में ई और इधर आए व्यंजन में तो च वर्ग के वर्ण य श, इनका स्थान हुआ अपना तालु। मुख का जो अंग है तालु, ये इसका उच्चारण स्थान बना। इचु यशानाम तालु, स्वर और व्यंजन वर्णों को अलग किया। तालु से बोले जाते हैं ई, और इधर व्यंजन में देखें तो च वर्ग, य और श। तीसरा आता है ऋतुषाणाम मूर्धा। ऋतुषाणाम मूर्धा, यहाँ भी हम स्वर और व्यंजन को लिखते हैं, जो जिसका स्थान मूर्धा है। केवल रि स्वर आएगा और व्यंजन में जाएं तो पूरा का पूरा ट वर्ग के पांचों वर्ण रे, षटकोण श, ये आपके व्यंजन वर्ण हुए और इनका उच्चारण स्थान हुआ
मूर्धा। ऐसे ही हम और सूत्र लेते हैं और उन सूत्रों से आगे बढ़ते जाते हैं। चौथा सूत्र आता है आपका लेतुल सा नाम दंतः, लेतुल सा नाम दंतः। लि संस्कृत स्वर है, हिंदी में शामिल नहीं करेंगे, तो यहाँ केवल अपने पास में व्यंजन वर्ण ही आ रहे हैं जिनका स्थान दंत से होता है, जिनका उच्चारण स्थान दंत है। तय वर्ग, पूरा तय वर्ग आ जाएगा, तय के साथ ल स, इनका उच्चारण स्थान दंत हुआ, तो लितुल सा नाम दंता है। व्यंजन वर्ण जिनका स्थान दंत है, तय वर्ग ल और स आ जाएंगे। पांचवा सूत्र उपूप ध्या मानिया नाम ओष्ठ है, उपोध्या मानिया नाम ओष्ठ है। वे स्वर जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है और वे व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो उ व्यंजन में जाए तो प वर्ग, पूरा प वर्ग व्यंजन में गिना जाएगा, व्यंजन और ये ओष्ठ से उच्चरित स्थान हुआ ओष्ठ। नासिका अनुस्वारस्य, नासिके कौन से, हमारे पास पांच वर्ग हैं, पांचों वर्गों के पंचम वर्ण अनुस्वार माने जाते हैं, इनका उच्चारण नासिका से होता है। नंग न्य ण न म, ये नासिका से उच्चारित होते हैं, इनको अनुस्वार कहते हैं। इनकी को हम कहाँ पढ़ रहे थे, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो ये जो हैं ये नासिका से उच्चारित होते हैं, तो इनको नासिका में स्थान अनुस्वार में स्थान दिया जाता है, इनका स्थान अनुस्वार के रूप में माना गया है। तो नंग य ण न म, ये पांच जो वर्ण हैं इनको अनुस्वार कहा गया है। इसी प्रकार से और सूत्र देखें, ए देतु कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, स्वर ए और आई, ए आई का स्थान कंठ व तालु है, कंठ तालु, इसलिए कंठ तालु में गिने गए हैं। ए दे तो कंठ तालु, ऐसे हम दो स्वर लेंगे ए और ऐ, उच्चारण स्थान हुआ कंठ व तालु। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल लेते हैं,
अगला सूत्र लेते हैं, ओ दोतो कंठोष्टम। क्या देख रहे हैं, ओ से हम लेंगे ओ औ, ओ दोतो कंठ कंठोष्टम। ओ औ का, ओ औ का उच्चारण स्थान है कंठोष्ट। ओ दो तो कंठोष्टम और इससे पहले था ए दे तो कंठ तालु। स्वर ए आई स्थान दिया कंठ तालु। ओ दो तो कंठोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम अर्थात व, व वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान दंतोष्ट है। इस प्रकार से हम इन नौ सूत्रों के द्वारा उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सूत्र याद रहेंगे तो ये हमेशा के याद हो जाएंगे। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं तथा तथा भविष्य में भी, भविष्य में भी करते रहेंगे, करते रहेंगे और जो कुछ करनी है, और जो कुछ करनी है उसके लिए, उसके लिए नहीं शब्द, नहीं शब्द हमारे, हमारे शब्दकोश में, शब्दकोश में नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटी मेरी तरफ। उस पानी में डालना जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब के एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जर्नल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ आपकी विजय के लिए।